जिला खनिज प्रतिष्ठान जिलाधिकारी कार्यालय नागपुर कौशल विकास के शीर्षक द्वारा पारित कर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना जिला खनिज प्रतिष्ठान नागपुर अंतर्गत कौशल विकास द्वारा नागपुर जिले के 200 गांव में ग्रीन जिम निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसके चलते इस कार्य को सांसद कृपाल तुमाने और जिलाधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से खनिज बंधित क्षेत्र पर अन्याय करने का आरोप लगाते हुए पूर्व उप सभापति उद्धम सिंह उर्फ गज्जू यादव द्वारा पत्र परिषद में इस कार्य को तुरंत बंद करने की मांग की गई है। दरअसल साल 2022 में जिलाधिकारी द्वारा जिला खनिज प्रतिष्ठान द्वारा सुधारित आदेश अनुसार कौशल्य विकास के शीर्षक द्वारा 13 करोड़ का निधि ग्रीन जिम के निर्मित के लिए पारित किया गया, जिसकी आवश्यकता ना होते हुए भी सांसद कृपाल तुमाने और जिलाधिकारी द्वारा मात्र कमीशन बाजी का कार्य कर रहे हैं, ऐसा आरोप यादव ने इस समय लगाया। पत्र परिषद के दौरान उन्होंने बताया कि खनिज बाधित क्षेत्र की जनता के स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से बचत गट पर यह निधि खर्चा ना करते हुए कमीशनबाजी का खेल सांसद कृपाल तुमानी ने चला रखा है। ग्रीन जिम का कार्य तत्काल बंद कर इसे आवश्यक जगह पर खर्चा किया जाए, ऐसा प्रतिपादन उपसभापति उद्धम सिंह उर्फ गज्जू यादव ने किया। उन लोगों के वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए वो पैसा खर्च होना चाहिए था, तो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कई गरीब लोग हैं जो थोड़े संपन्न परिवार से भी होंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट भी होंगे, तो अपने माँ बाप के लिए बीपी शुगर यानी शादी बीपी शुगर तो आज कॉमन हो गया है। हर छोटे मोटे बड़े गरीब आदमी बड़े आदमी सभी को बीपी शुगर तो कॉमन आपको मिलेगा, तो बीपी शुगर की दवा भी वो नौकरी पे रहने वाले बच्चे अपने माँ बाप के लिए नहीं खरीद पाते। तो मैंगनीज बाधित क्षेत्र में मैंने एक प्रपोजल दिया था कि उस गाँव का ग्रुप इंश्योरेंस निकालो पूरे जो 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है, उसमें वो परिवार 5 किलोमीटर का हेल्थ इंश्योरेंस का उसको 5 लाख का अगर उनको हेल्थ इंश्योरेंस का कवर मिल जाता है तो अपने परिवार का बीमारी का इलाज अच्छे पैनल पे के जो अच्छे दवाखाने नागपुर में वहाँ कर लेंगे। और ग्रुप इंश्योरेंस करो करके वो शासन निर्णय जो 2016 का है बाद में मॉडिफाइड शासन निर्णय 2022 में आया, वो दोनों में वो प्रोविजन है, मगर इन्होंने हमारे वो प्रपोजल पर ध्यान नहीं दिए। मैंने उनको ये बताया कि आज कॉमन परिवार का आदमी भी बीपी शुगर की दवा नहीं ले सकता और जिला परिषद में एक लिमिटेड अनुदान ग्रामीण क्षेत्र के दवाखानों में जाता है, तो वो जो लिमिटेड अनुदान जाता है, मान लो जिला परिषद के दवाखानों में 50,000 रुपये का दवा के लिए प्रोविजन होगा हर महीने का, तो मेरा कहना था कि उस दवाखाने के क्षेत्र में जो बाधित क्षेत्र के गाँव है वहाँ के लोगों को आइडेंटिफाई करके 2 लाख की अगर दवा लगती है तो 1.5 लाख रुपये आप इसमें से दो, ताकि जिला परिषद का दवाखाना अपग्रेड हो सकेगा और अपन ग्रामीण में लोगों को आरोग्य की अच्छी सुविधा दे सकेंगे। परंतु फिर भी इतने अच्छे प्रस्ताव पे कोई सुनवाई नहीं हुई और आरोग्य पे ग्रीन जिम दिखाकर वो पैसा खर्च किया गया, मगर जब हमने खुद प्रत्यक्ष में उसकी जानकारी ली, मुझे 2-3 प्रेस से फ़ोन आया था और मैंने बोला उनको कि आरोग्य के हेड में वो ग्रीन जिम लेते नहीं आता, बिल्कुल गलत है और उन्होंने किया है तो ये सब दबाव में काम किया नियम बाय, तो मैं उस पर कंप्लेंट करूंगा, निवेदन दूंगा वो काम रद्द करने के लिए। मगर मैंने जब प्रत्यक्ष में जानकारी ली तो जानकारी में ये मुझे आया कि वो आरोग्य पे के हेड में खर्च मंजूर नहीं किया गया है और वो कौशल्य विकास के इसमें किया गया, और उस शासन निर्णय का जो कौशल्य विकास का हेड है जिसमें उस निधि का विनियोग करना है तो उसमें भी बिल्कुल ग्रीन जिम बैठता नहीं है, उसमें तो महिलाओं को स्वयं रोजगार के लिए प्रशिक्षण केंद्र शुरू करवाना, उनको ट्रेनिंग देना, उनके ट्रेनिंग पे खर्च करना, और नागपुर जिले के ग्रामीण में जितने भी महिला बचत गट हैं उन महिला बचत गटों को आर्थिक सक्षम बनाने के लिए वो महिलाओं को आर्थिक मदद करना है, यानी बचत गटों को आर्थिक मदद करने का प्रोविजन है, तो ये पैसा बाधित क्षेत्र में जितने बचत गट हैं उन पर खर्च करने का पैसा था अगर उस हेड में दिखाया गया है तो कौशल्य विकास में उसमें जो ग्रामीण भाग की महिलाएं के बचत गट है उनको 2-2 लाख रुपए कम से कम, एक बचत गट को 2 लाख रुपए आराम से मिला रहता और कम से कम 900-800 बचत गटों को जिले में 13 करोड़ रुपए का समान वाटअप हुआ रहता, तो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिला बचत गट की महिलाएं हैं उनको एक आर्थिक आधार मिल रहता और वो पैसा रिटर्न भी नहीं करना है। जैसा हम महिला बचत गट की महिलाएं बैंक से लोन लेती हैं और बाद में धंधा नहीं चला तो उनको कर्ज भरना पड़ता है, मगर ये उनको सक्षमीकरण में एक सहायक करके 100% अनुदानित योजना चलाई जा सकती थी, मगर इन्होंने कौशल्य विकास में ग्रीन जिम दिखा दिया अभी,
तो अगर कौशल्य विकास में ग्रीन जिम दिखाया गया है तो उन गरीब महिलाओं का हक मार लिया गया जो ग्रामीण में काम कर रही है बचत गटों में इतने साल से। तो ये सरासर दोनों हेड में जो वो लोग बता रहे हैं ये एकदम अन्यायकारक है और उस शासन निर्णय में ये चीज़ नमूद नहीं है। तो इस निर्णय के खिलाफ आज हमने माननीय जिलाधिकारी इनको निवेदन दिया और उसके साथ ही हमने माननीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब DCM साहब इनके नागपुर ऑफिस में भी निवेदन दिया और अपर मुख्य सचिव खनिकर्म उनको भी ये प्रस्ताव भेज रहे हैं। फिर भी अगर ये सरकार प्रशासन के दबाव में या नेताओं के दबाव में ये नहीं करती है तो हम इसके खिलाफ में हाईकोर्ट जाएंगे, आंदोलन करेंगे, जो जो रास्ते हैं हमारे लिए वो करेंगे लोकशाही पद्धति से। उसके साथ ही पहले ऐसा हुआ कि एक इनको पत्र दिया गया 24/1/2022 को जिला क्रीड़ा अधिकारी को, ये जिला क्रीड़ा अधिकारी ने उसका पूरा प्रस्ताव बना के जिला खनिज प्रतिष्ठान को सबमिट किया 13 करोड़ रुपए के ग्रीन जिम का। बाद में ऐसा हुआ कि नेताओं को जो कमीशन चाहिए वो कमीशन मिल नहीं पाया शायद इसलिए, और यहाँ पे टेंडर मैनेज नहीं हो पाए जिला क्रीड़ा अधिकारी के ऑफिस में स्टेट पे, इसलिए फिर से माननीय खासदार तुमाने साहब ने पत्र दिया और पूरा प्रपोजल तैयार होने के बाद भी इनका प्रपोजल रद्द करके क्रीड़ा विभाग का जिला परिषद को प्रस्ताव ट्रांसफ़र करो करके, यानी क्रीड़ा विभाग की एजेंसी रद्द करके जिला परिषद को एजेंसी बनाओ ऐसा पत्र दिया गया, ये पत्र है। बाद में जिला परिषद ने आप ये पत्र देख रहे होंगे, जिला परिषद ने तहकूब सभा में इसके दर सूची को मंजूरी ली और तहकूब सभा में दर सूची में मंजूरी लेने के बाद ये तहकूब सभा हुई 12/8/2022 को और अभी 2023 की जो सर्वसाधारण सभा हुई अभी लास्ट मंथ में। NBC न्यूज के लिए अजित कुंवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।